बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एलाइड स्कूल सुपीरियर बैरिया कैंपस एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट क्लास 9, सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंड फर्दर मोर, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेस्शन ऑफ बल्की मटीरियल्स बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। मीन्स दैट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेलुलर इंजेस्शन होती है बल्की मटीरियल्स की इनफोल्डिंग सेल्स के अंदर। दो टाइप्स की होती है, फेगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस। यानी अगर बल्की मटीरियल सॉलिड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाए तो उसे फेगोसाइटोसिस पढ़ा जाता है या बोला जाता है। और दूसरा प्रोसेस जो है वो है पेनोसाइटोसिस का, अगर आपके पास मटीरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद हो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में और वो इंजेक्ट होता है अगर, तो उसे हम एंडोसाइटोसिस की दूसरी फॉर्म पेनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बरक्स जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है एक्सोसाइटोसिस। नाम से ही जाहिर है कि इसमें बल्की मटेरियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस वो भी रिप्लेस हो जाता है। ये इसकी एक फिगर है मुकम्मल बनी हुई। इसमें हम देख सकते हैं कि बल्की मटेरियल जो हैं वो इन्वेजिनेशन इन मेम्ब्रेन और बल्की मटेरियल्स की एक्सपोर्टिंग जो है वो दोनों ही हमें दिखाई गई। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनिमल और प्लांट टिश्यूज और इनकी टाइप्स को और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनकी टाइप्स जो हैं वो एनिमल सेल्स और प्लांट जो टिश्यूज होते हैं और एनिमल टिश्यूज होते हैं इनकी मेजर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से, करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और फंक्शंस के हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ। सबसे पहले बात की जाती है एनिमल टिश्यूज की, तो एनिमल की जो बॉडीज होती हैं उनमें चार मेजर कैटेगरीज के टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स? एपिथेलियल टिश्यूज कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन लाइन ऑर्गन्स एंड द कैविटीज। द सेल्स इन दिस टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, सो दैट इज वाई दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स एज वेल एज द नंबर ऑफ द सेल लेयर। सम टाइप्स आर इंक्लूड्स स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो फर्स्ट टाइप है ये आपको नज़र आ रही होगी, सिंगल लेयर होती है यहाँ पे टिश्यूज़ की, और क्यूबॉइडल जो है आपके पास वो आपके पास कंसिस्ट होता है सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब शेप सेल्स। ये क्यूब की जो शेप के सेल होते हैं उनकी एक सेल लेयर मौजूद होती है, इसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। सो इसी तरह से हमारे पास शेप के हवाले से और उनकी जो बनावट है उनके हवाले से ही ये बाकी तीन टाइप्स भी जो हैं वो कैटेगरी में रखी गई हैं। इनको भी आपने डिटेल से डिस्कस कर लेना और पढ़ने की कोशिश करनी। कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं सेकंड हमारे पास? एज द नेम शोस, जिस तरह से नाम से जाहिर है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो सर्व करते हैं अ कनेक्टिंग फंक्शंस। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज़, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने और बाइंड करने के काम आते हैं। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कार्टिलेज फाउंड अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स इन एक्सटर्नल एयर, नोज एंड ट्रैकिया, बोन एंड ब्लड। सो ये यहाँ पे ये टिश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं एंड ऑफ द बोन्स और एक्सटर्नल एयर, नोज वगैरह जो होती है। और उसके बाद द एडिपोज टिश्यूज, द एडिपोज टिश्यूज़ क्या हैं जी? फाउंड अराउंड द किडनीज, अंडर स्किन, इन एब्डोमन एट्सेट्रा, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इट प्रोवाइड्स इनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। तो एडिपोज टिश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी किडनी के राउंड अबाउट मौजूद होते हैं, स्किन के नीचे और एब्डोमन में। इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है और ये प्रोवाइड करती इनर्जी और सपोर्ट ऑर्गन्स को, यानी जिस और जो ऑर्गन है आपका मौजूदा जिस्म में एनिमल के, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आती है। ये इनकी डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स जो हैं वो आपके सामने मैंने स्लाइड में तैयार करके रखी हैं। इनको भी आप जब गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस किस शेप में और कहाँ कहाँ ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मसल टिश्यूज। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देर आर थ्री काइंड ऑफ मसल टिश्यूज। फर्स्ट वन स्केलेटल, सेकेंड स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्केलेटल मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। देयर सेल्स आर
striated या stripped एंड कंटेन मैनी न्यूक्लाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। या हड्डियों की जो हरकत और हरकत है मुख्तलिफ किस्म की, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी स्केलेटल मसल्स के ऊपर ही होती है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एट्सेट्रा, एंड दे कंटेन स्मूथ नॉन स्टीरिएटेड सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। तो जैसा कि आपने देखा, आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा, कंटेन मैनी न्यूक्लाई स्केलेटल मसल्स में, और स्मूथ अगर हम मसल्स की बात करें तो एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। साथ ही साथ इनकी जो मकाम है या जो इनकी लोकेशन है वो भी डिफरेंट होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। थर्ड वन इज़ कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट। नाम से ही जाहिर है आपको मालूम हो चुका होगा कि कार्डिक मसल जो है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। एंड देयर सेल्स आर ऑल्सो स्टीरिएटेड, बट देर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। ये जो हार्ट बीट हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है, ये सारी की सारी किस सेल की मरूने मिन्नत है, मसल्स की, वो कार्डिक मसल होते हैं हमारे। नर्वस टिश्यूज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। वी नो दैट एन एनिमल सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। यानी हम ये जानते हैं कि जो एनिमल्स की जो सर्वाइवल है, उसका जो इन्हिसार है, वो सारे का सारा उसकी उस एबिलिटी के ऊपर है कि वो रिस्पॉन्ड किस तरह से करता है अपने इन्वायरमेंट के हवाले से। ये एबिलिटी जो है ये हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्स अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो नर्वस टिश्यूज फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म्स दिस टास्क। सो दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स विच आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स। नर्वस टिश्यूज इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तीन जगहों पे ये मौजूद होता है। ये नर्व सेल्स की शक्ल में भी हो सकता है या न्यूरॉन्स की शक्ल में भी हो सकता है। और बेसिक जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि रिएक्ट करना अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट और मैसेजेस को कन्वे करना स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन तक। नेक्स्ट हम यहाँ इसकी शेप देख सकते हैं जी। मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास सेल थे, इसमें नर्वस टिश्यूज थे, वो नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज की जो शेप्स हैं वो आप देख सकते हैं किस शक्ल में बनी हुई है। बोन्स हैं, कार्टिलेज, ब्लड, ये आपका पूरा एक आम बना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टिश्यूज जो हैं वो लाए करते हैं, वो वन बाय वन जो है वो आपको बताए गए, क्लियर है। सो एक पिक्चर को गौर से देखेंगे तो हमें काफ़ी हद तक ये तो समझ में आ जाएगी कि हमारे कौन से टिश्यूज जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं एनिमल टिश्यूज थे। और नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। एज इन एनिमल्स द सेल ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज विद द करैक्टरिस्टिक फंक्शन सच एज द फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। तो एनिमल्स की तरह जो प्लांट सेल्स होते हैं वो भी ग्रुप होते हैं, ग्रुप होता है उनका टिश्यूज का, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर, जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपोर्ट है, एट्सेट्रा। देर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट्स लाइक सिंपल टिश्यूज एंड कंपाउंड टिश्यूज। दो हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं प्लांट टिश्यूज में, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द टिश्यूज विच आर मेड ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द सिंपल टिश्यूज। जो सिंपल टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हों उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज को अब हम डिस्कस करें कि ये क्या चीज़ है। तो दीज टिश्यूज आर कंपाउंड ऑफ सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। द सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव द लार्ज न्यूक्लाई एंड द स्मॉल और नो वैक्यूल्स। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज की, कि ये जो टिश्यूज हैं कंपोज होते हैं सेल्स के, यानी सेल्स के ऊपर मिलकर बनते हैं, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, जिसमें तकसीम करने की एबिलिटी मौजूद होती है। और सेल्स आर थिन वॉल्ड, बारीक इनकी वॉल होती है, हैव द लार्ज न्यूक्लियस एंड द स्मॉल और नो वैक्यूल्स, या तो बहुत छोटा वैक्यूल होता है या होते ही नहीं है। सो दे डोंट हैव इंटर सेलुलर स्पेसिस अमंग दैम। टू मेन टाइप्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिकग्नाइज इन द प्लांट्स। आगे मजीद इसकी भी दो टाइप्स हैं, एपिकल है और उसके अलावा लेटरल है, ठीक है। इन दोनों को भी हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एपिकल टर्म्स क्या चीज़ हैं? आर लोकेटेड एट द एपिसिस या टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। When they divide, they cause increase in the length of the plant. Such growth is called the primary growth. यानी growth जो है वो जब होती है तो apical meristems की बुनियाद के ऊपर होती है। Lateral meristems क्या हैं? Located on the lateral sides of the root and shoot. By dividing, they are responsible for increase in growth of plant's part. Clear, students? उसी तरह हमारे पास जो है vascular
कैम्बियम भी मौजूद होता है। ये क्या है, इसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मज़ीद तफसील के साथ। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ को भी हम पढ़ेंगे, अभी हमने फिल वक्त इसकी सिर्फ डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आप अपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जैसे ही आपको नई वीडियो आपके अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। इससे आपकी स्टडी मैटर को आपको समझने में और कंटिन्यूटी जो होती है स्टडीज़ की और डायरीज़ की वो भी रहती है। सो काइंडली जो है सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है, अगर नहीं किया अब तक, कि आप अपने एलाइड स्कूल सुपीरियर बैरिया कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस और लेक्चर मटेरियल्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। शुक्रिया।